everyone and welcome back to my channel. I'm Uvina and like I promised, मेरी अगली कुछ वीडियो स्कॉलरशिप्स के हवाले से होंगी. सो उसी सीरीज की फर्स्ट वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ. सो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं एक ही वीडियो में सारी स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात करूँ, इट वुड बी मच ईजियर आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी कि आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ईच स्कॉलरशिप. सो आज की ये वीडियो है स्पेसिफिकली फॉर हेलमुट श्मिट प्रोग्राम विच इज़ अ मास्टर स्कॉलरशिप फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्कॉलरशिप के हवाले से कि इस स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फिर हाउ मच मनी यू गेट इट एवरी मंथ और फिर सारा प्रोसीजर कैसे होता है. सो द फर्स्ट थिंग के कौन कौन सी फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हो. लाइक आई मीन ऑलरेडी इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि इट्स फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, बट इसके अंडर भी काफ़ी सारे सब फील्ड्स आती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन भी हु कैन एक्चुअली अप्लाई. सो ये वाली स्कॉलरशिप उन सारे ग्रेजुएट्स के लिए है जो कि मास्टर्स करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंसेस, लॉ, इकोनॉमिक्स या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. इस स्कॉलरशिप की सबसे अच्छी बात, एक अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, अगर आपने जॉब नहीं की हुई, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देन स्टिल आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यू डोंट नेसेसरली हैव टू हैव सम जॉब एक्सपीरियंस. तो पहली बात तो ये हो गई. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें क्या क्या चीज़ फंडेड होती है. द फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको एवरी मंथ 850 यूरोस आपके बैंक अकाउंट में आते हैं. इसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपका कवर्ड होता है और जैसे कि मैंने बताया कि शुरू के जो 6 मंथ्स होते हैं इसमें आपको एक जर्मन कोर्स कराते हैं और इस कोर्स के दौरान भी आपका रहना, आपका रूम का रेंट और ये सारा ये भी स्पॉन्सर्ड होता है. और इन सब के अलावा अगर आपके आपके स्पाउस ने आना है या फिर आपके इफ़ यू हैव किड्स उनके लिए भी अलाउंस मौजूद है, बट इट रियली डिपेंड्स कि आपका केस क्या है, आपके बच्चे कितने हैं. तो यूजुअली अगर आपका केस कुछ ऐसा है जिसमें आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है बट यू आर स्टिल इन योर होम कंट्री, तो उस केस में भी आपको 500 यूरोस अलाउंस मिलता है. सो इस स्कॉलरशिप के मिलने की रिक्वायरमेंट्स क्या है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेड्स हों, दैट्स फाइन. अगर आपके नॉर्मल भी हैं तो दैट्स ऑल्सो फाइन. तो सबसे पहले तो आपकी क्या कहते हैं ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. अगला है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, लेकिन इसके लिए हर यूनिवर्सिटी की एक सेपरेट रिक्वायरमेंट है. लाइक हो सकता है कोई आई 6.5 मांग रहा हो, कोई 6 मांग रहा हो, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको बेसिक जर्मन आनी चाहिए जिसके लिए आपको ये शुरू का जो 6 मंथ्स का कोर्स है ये आपने करना है. तो ये हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है. आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसके रिक्वायरमेंट्स में जाके आप जो ये देखेंगे. और चूँकि ये स्कॉलरशिप आपकी पॉलिटिकल साइंस और इस तरह के सोशल साइंसेस में है तो दे वुड एक्सपेक्ट कि आपकी कोई सोशल इंगेजमेंट हो. तो जब आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख रहे होंगे तो उसमें आप वो चीज़ें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अपने सीवी में वो चीज़ें ज़रूर मेंशन कीजिएगा जो कि आपने इस फील्ड में या फिर आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हो या फिर कोई जॉब की हो या फिर कोई आपने कोई सेमिनार अटेंड किया हो या फिर कोई वर्कशॉप हो, तो इस तरह की चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी है. और उसमें एक और पॉइंट इन्होंने लिखा है कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट व्हेन रिटर्निंग टू होम कंट्री और रीजन. तो ऑब्वियसली ये आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके माइंड में इस तरह का प्लान है कि आप अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, इन फील्ड्स में कुछ करना चाहते हैं. तो आप उसमें इस तरह के आपके अगर फ्यूचर प्लान है कोई तो वो भी आप इसमें जो है ना आप मेंशन कर सकते हैं. हाँ, इसमें एक इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में हैं और जब आप अप्लाई करते हुए अगर आप जर्मनी में हैं फॉर मोर देन 15 मंथ्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते. लाइक अगर मैं अभी अप्लाई करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती बिकॉज आई एम ऑलरेडी लिविंग हियर.
और इसके अलावा अगर आपकी जो लास्ट डिग्री है, अगर आपने आपका ग्रेजुएशन 6 साल से पुराना है, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो 6 साल का गैप इज फाइन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. सो अगला स्टेप ये है कि एप्लीकेशन प्रोसेस, कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए या फिर इन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कैसे करना है. इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मौजूद है जहाँ जहाँ पे ये स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है. तो आपके लिए इट्स मच ईजियर कि आपने जस्ट जाके आपने जो भी कोर्स सेलेक्ट किया है उस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो. तो एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि सबसे पहली चीज़ आपने जो करनी है वो ये है कि जो दाद जो स्कॉलरशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है. इसमें सबसे मेन चीज़ वो ये है कि आप मैक्सिमम खाली 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो एक ही यूनिवर्सिटी के 2 कोर्सेज हो या फिर 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, एक इधर का एक वहाँ का कोर्स हो, तो आप मैक्सिमम 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो. लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में आपने ये बात मेंशन करनी है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है और सेकेंड कौन सी है. ये हो गया आपकी पहली चीज़. तो पहली चीज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म. दूसरी चीज़ है आपका क्या कहते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन. इसमें आपने एक ही लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना है इवन तो आप 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो. तो आपने दोनों को मिला के इस लेटर में आपने एक अच्छा सा लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए या फिर इस प्रोग्राम के लिए आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप क्यों आना चाहते हो जर्मनी. तो ये आपके हो गए 2 स्टेप्स. अब आप ये करना ये है कि आपका जो फॉर्म है एंड आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो आपने अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको आपने यहाँ पे भेजना है. अब उसके लिए आपने करना ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपने हाथ से नहीं फिल करना, इलेक्ट्रॉनिकली आपने फिल करना है और उसको लेकिन हैंड साइन कि आपने उसको प्रिंट करने के बाद उसको आपने साइन करना है. आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन वो भी हैंड साइंड होगा. उसके बाद आपकी CV जो कि ये भी हैंड साइंड होगी. और उसके बाद आपकी अटेस्टेड डिग्रीज, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपके डिग्रीज, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है तो IELTS रिजल्ट या फिर कुड बी जर्मन और इंग्लिश, ये चीज़ें. एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगा जिसके ऊपर डेट और साइंड होना मस्ट है. और अगर आपके पास कोई जॉब के एक्सपीरियंस है तो ये सारी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने एक लिस्ट बनानी है, एक सेट बनाना है. ये बना के फिर आपने इसको यहाँ पे आपने भेज देना है. एप्लीकेशन डेडलाइन यूजुअली है इन सारी 8 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम June 1st to July 31st, विच मीन्स इस साल का इट्स ऑलरेडी ओवर, लेकिन आप अगले साल के लिए आप यू कैन मेक अप योर माइंड. तो अगले साल के लिए आप दोबारा इन चीज़ों को आप देख सकते हो. सो एक बार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए तो आपने दाद को नहीं भेजना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जहाँ से स्कॉलरशिप मिल रही है उनको भेज देते हैं. ये गलती आपने नहीं करनी है. आपके फॉर्म के ऊपर ये ऑलरेडी आपने मेंशन कर दिया होगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए, हेल्मुट श्मिट प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो. तो आपने आपके ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपकी यूनिवर्सिटी जाएंगे, आपने स्कॉलरशिप वालों को नहीं भेजना है. अगर यहाँ आप गलती से भेज देते हो तो यू आर ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड. तो आपने यूनिवर्सिटी को भेजना है. तो इसमें एक दो गलतियाँ जो कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, उनमें से एक ये भी है कि आपने मैक्सिमम 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है. अगर आपने 2 से ज़्यादा के लिए किया है तो भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है. तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपने बहुत ख्याल रखना है इसमें. सो वंस आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, अब क्या होगा? अब होगा ये कि बाय द एंड ऑफ अक्टूबर और इन नवंबर आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठेगी एंड देन वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे देखेंगे एंड देन स्कॉलरशिप वाले, DED स्कॉलरशिप वाले आपको कांटेक्ट करेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना इनके ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करते हैं.
अभी तक आपने इनके ऑनलाइन उस पर आपने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए थे, आप अपने यूनिवर्सिटी भेजे थे, राइट? नाउ दे विल आस्क यू टू अपलोड इट ऑन देयर दैट पोर्टल. और आपने बस यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि आप जो जो डॉक्यूमेंट्स भेज रहे होंगे यूनिवर्सिटीज़ को, उन यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट्स की एक PDF कॉपी आपने अपने पास रखनी है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वही सेम डॉक्यूमेंट्स जो आपने भेजे हैं, वो यहाँ पे अपलोड होंगे. वंस ये सारा स्टेप हो गया, देन बाय द एंड ऑफ डिसम्बर आपको रिप्लाई आ जाएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और आप इस टाइम पे या फिर इस मंथ में आप यहाँ पे आ सकते हैं. सो दैट्स ऑल. बट ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको वीडियो में मैंने आपको बताई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स के थ्रू भी दे दूंगी, जहाँ जहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है. आपको जस्ट इस वेबसाइट पे जाना है, अपनी कंट्रीज सेलेक्ट करनी है, एंड देन यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. कि अब पाकिस्तान जब आप करेंगे तो आपके पास ये सारे लिंक्स खुल जाएंगे, और इसको आप आराम से बैठ के एक दफ़ा आप इसको रीड कर सकते हैं. आई वुड रिकमेंड दिस स्कॉलरशिप टू एवरी वन बिकॉज इट कवर्स एवरी थिंग. और ये इसके इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये ऑफर हो रहा है, वो यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. सो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हम लोग चूँकि यहाँ पे ट्यूशन फी नहीं है, तो इसमें बट स्टिल वी हैव टू पे सम लाइक 200 to 300, राइट? तो इसमें ये लोग ये भी कवर कर रहे हैं. सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज. सो प्लीज़ अगर आप इन फील्ड्स में, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और अगर आगे भी मास्टर्स आप करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड प्लीज़ आप ये स्कॉलरशिप अवेल करें और इससे फ़ायदा उठाएं. और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं. सो गुड लक, और अगले वीडियो में किसी और स्कॉलरशिप के हवाले से आपसे मुलाकात होगी. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.